हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग ईयर्स के डेली आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड होता रहता है आपके तीनों ईयर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर आप बीए में हैं, तो इट इज़ द मोस्ट वांटेड चैनल जो आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको सब कुछ मिल सकता है आपके रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी को लेकर के, एंड इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन सोशियोलॉजी। इससे पहले हमने वीडियोज अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन का है, यानी कि इससे पिछले साल का है। इस ईयर सोशियोलॉजी को लेकर के हमारी फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर की वीडियो आज हम अपलोड करने वाले हैं, एंड ये आप वीडियो देखने वाले हो जो आप वीडियो अभी देख रहे हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, विस्तृत रूप से जानते हैं कि इसका पहला चैप्टर क्या है एंड उसमें क्या बात किया जा रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल हमें समझना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो आज का चैप्टर है बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर वन का चैप्टर नंबर वन, ये बेसिकली हमें पढ़ना है अगस्त कांटे के बारे में, क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट पेपर है ना, इसमें विद्वानों के बारे में और उनकी जो विचारधारा है उसके बारे में एक्सप्लोर करने का टाइम है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा कि क्या है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान क्या है, समाज शास्त्र के कौन कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या फिर समाज शास्त्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है, कहाँ से व्यक्ति सामाजिक चीज़ें सीखता है। सेकेंड ईयर में हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, एंड थर्ड ईयर में आपको पढ़ना है कि एक एक विचारक की अपनी क्या पॉइंट ऑफ व्यू थी, उन्होंने कौन कौन सी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया, मतलब डिटेल में आपको समझना है कि आखिर समाजशास्त्र है, क्योंकि यह आपके लास्ट ईयर है। तो समझो अगस्त कांटे के बारे में बात करना है। तो अगस्त कांटे जो थे 19वीं शताब्दी के सबसे महानतम सामाजिक विज्ञानों में या विद्वान माने जाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी विद्वान जो होता है ना, वो अपने टाइम पीरियड में जो भी चीजें उसको लग रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, वो चाहता है कि वो प्रॉब्लम, वो समस्या वो खुद सॉल्व कर सके एंड कुछ ऐसा लाया जा सके जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारी जनरेशन, हमारी व्यवस्था अच्छी हो सके। एंड शायद यही कारण था, क्योंकि ना तो वो कोई धार्मिक नेता थे, ना ही कोई राजनीतिक चिंतन थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि समाज में प्रॉब्लम्स है, समाज में लोगों की मान्यता, लोगों की विचारधारा इस तरह से स्टक हुई पड़ी है, तो उन्होंने समाज को बदलने का ठाना और उन्होंने एक रूल दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनको अगस्त कांटे को कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने ये रूल प्रतिपादित किया। उन्होंने तीन स्तरों का रूल दिया हुआ था कि विश्व या लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से उनकी मान्यताएं किस बढ़ती जाती हैं, किस तरह से वो चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, समाज किस तरह से व्यवस्थित होता है, इसके बारे में उन्होंने तीन स्तरीय सिद्धांत दिया हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समझो अगस्त कांटे का त्रिस्तरीय सिद्धांत, मतलब व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में तीन स्तरों पर जीता है, एक जो भी समाज है वो तीन स्तरों पर जीवित रह सकता है, तीन स्तरों को वो मान सकता है। तो इसमें जो आपका पहला अवस्था है वो है धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक अवस्था। धर्मशास्त्रीय और काल्पनिक अवस्था में क्या है कि व्यक्ति उसके जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं वो धर्म से रिलेट करके या फिर कल्पना से रिलेट करके बात कर रहा हो, यानी कि जो भी चीजें हो रही हो, जो भी समाज में घटनाएं घट रही हो, कोई वस्तु हो, कोई चीज हो रहा हो, उसको वो प्रकृति से रिलेट करके देख रहा हो, झरना गिर रहा हो तो वो भी उसको प्रकृति से रिलेट करके, मतलब ईश्वर से रिलेट करके देख रहा हो कि ये ईश्वर है, मतलब कोई है जो कर रहा है, मतलब वो हर एक चीज को धर्म से रिलेट कर दे रहा हो, या फिर कुछ अपनी कल्पनाओं में ही उसको बना दे रहा हो कि ये ऐसा हो रहा है, इसके पीछे ये चीज होगा, मतलब वो धर्म से या तो उस चीज को वेरीफाई कर रहा हो या फिर अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ही बना दे रहा हो, क्योंकि व्यक्ति जब कोई चीज समझ नहीं पा रहा है उसको कह दिया कि ये ऐसा है, ऐसे ही होता है, धर्म से उसने रिलेट कर दिया। तो पहला स्तर यही है आपका धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक अवस्था। इसमें उन्होंने तीन अवस्थाओं के बारे में बात किया है। इसमें उन्होंने सबसे पहली चीज बताया हुआ है जीवित सत्तावाद। जीवित सत्तावाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जो व्यक्ति जो भी चीज को देखता है, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, उसको वो एक जीवित सत्तावाद मानता है कि इसके अंदर कोई है, कोई पावर है, कोई शक्ति है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, चाहे वो भले ही वस्तु हो, उसको भी क्या मानता है, वो सजीव मानता है। एंड सेकंड है आपका बहुदेववाद, यानी कि ये सेकंड क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति देख रहा है कोई भी चीज तो उसमें मान रहा है कि ये चीज कोई देवता कर रहा है, ये चीज कोई देवता कर रहा है, झरना गिर रहा है वो कोई देवता कर रहा है, आकाश से कुछ रोशनी आ रही है वो कोई देवता कर रहा है, कोई भी पेड़ पौधे हैं वहां पर एक देवता काम कर रहा है, मतलब यहां पर हर एक काम के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए एक एक देवता लगा हुआ। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है बहुदेववाद का। इससे पहले बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी के आधार पर आता है, यानी कि मतलब ये थ्योरी ऑलरेडी था वो चीज, लेकिन इसी की वजह से शायद बहुदेववाद आया था समाज में कि हर एक चीज को अलग अलग देवता कर रहा है। एंड इसके बाद अगला आता है आपका एक ईश्वरवाद, यानी कि कहा गया कि बाद में क्या कहा गया कि कुछ चीजें हैं, मतलब जो भी चीज है उसको एक ईश्वर कंट्रोल कर रहा है और उसने ही छोटे छोटे जो भी देवता है इन सभी को उसने ही बनाया है, मतलब कि कॉन्सेप्ट आकर के रुका एक
ईश्वर बाद में, एंड इट इज द हाईएस्ट कॉन्सेप्ट जो कि धर्मशास्त्रीय और काल्पनिक अवस्था पर हम समझ सकते हैं। इट इज द हाईएस्ट कॉन्सेप्ट कि एक ईश्वर है जिसने अलग छोटे छोटे अपने, मतलब जैसे कहते हैं ना एक राजा है उसने अपने छोटे छोटे हिस्सों की रक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए लोगों को रखा हुआ है, कमानदार बनाए हुए हैं, उसी तरह से ईश्वर एक है। एंड जो भी देवी देवता का कॉन्सेप्ट है वो सब क्या किया है, ईश्वर ने ही बनाया हुआ है और वो सब अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से पहली जो कल्पना होती है धर्मशास्त्रीय और काल्पनिक अवस्था में, ये ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया। एंड इससे आगे दूसरा जो कॉन्सेप्ट बताया वो है तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था, यानी कि ये जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताया ये पहली अवस्था का अपडेटेड वर्जन है। पहली अवस्था में क्या था कि माना जाता था कि जो भी काम है उसके पीछे कोई ना कोई अलौकिक शक्ति है, वो ईश्वर है, बहुदेववाद है, वो देवता है। एंड सेकंड अवस्था में क्या किया गया, बस ये चेंज हुआ कि फर्स्ट अवस्था में उसको एक मूर्त माना जाता था कि ईश्वर एक मूर्त है, मतलब जिसको आप देख सकते हो, जो मतलब कि देवता है वो एक व्यक्ति की तरह उसको मान्यता दिया गया था। एंड सेकंड में क्या हुआ, बस चेंज हो गया क्या कि अवस्था जो थी वो अमूर्त हो गई, यानी कि कोई अलौकिक शक्ति है जो कि निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो एक पावर की तरह काम कर रही है, एक शक्ति की तरह काम कर रही है। ये है आपकी दूसरी अवस्था जहां पर व्यक्ति इस तरह से सोच रखने लगता है, जो कि आप निराकारी देख रहे होंगे, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं निरंकार को लेकर के, तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। एंड तीसरा एंड हाइएस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में ऑगस्ट कॉम्टे बात करते हैं, वो है प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था, यानी कि यह समाज की एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति किसी चीज को लेकर के जब देखता है कि ये चीज हो रहा है तो उसके पीछे वो अपना माइंड लगाता है कि मतलब ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी थ्योरी काम कर रही है, उसके बारे में पूरा रिसर्च करे, पूरा समझे, जो एग्जैक्टली है उसको एज इट इज देख सके, ये कहलाता है आपका प्रत्यक्षवाद। यानी कि जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है, उस लॉजिक के आधार पर उसको सोच सके, समझ सके और उसको वेरीफाई कर सके, तो वो कहलाता है आपका प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक स्तर, यानी कि जिन चीजों के बारे में हम वैज्ञानिक रूप से उसको वेरीफाई कर सकें, बता सकें कि हाँ ये चीज है, ऐसा हो रहा है। अगर बारिश हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि सूर्य के द्वारा सोखा जा रहा है, हमारा जो पानी है वो भाप बन करके जब गर्मी से ऊपर उठ रहा है, बादल के रूप में इकट्ठा हो रहा है, फिर वो बारिश हो रहा है। जब वो चीज़ ठंडी हो जा रही है, उस भार बढ़ जा रहा है, तो बारिश के रूप में फिर से ज़मीन पर आ जा रही है, ये एक बारिश का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब अगर इसे आप समझो कि पहले वाले नियम के अनुसार, तो वो क्या होगा, एक देवता बैठा हुआ है, इंद्र भगवान है, जो कि बारिश करवा रहे हैं। दूसरी अवस्था में कह सकते हैं कोई निराकार शक्ति है जो बारिश करवा रही है। तीसरी अवस्था जो ये है वैज्ञानिक अवस्था, आप देख लो कि चीजें कैसे कैसे काम कर रही हैं, वो कहलाएगा प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था। अब देखो जो इन्होंने समाज की ये अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं बताई हैं, इसके बारे में इसके बाद इन्होंने तीनों अवस्थाओं को वेरीफाई कर दिया, बता दिया कि हाँ ये तीनों अवस्थाएं ऐसी हैं। एंड इसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है ये तीनों अवस्थाएं एक ही समय में एक समाज में विद्यमान हो, यानी कि ये तीनों अवस्थाएं ही एक व्यक्ति के अंदर भी पाई जा सकती हैं, एक समाज के अंदर भी पाई जा सकती हैं, एक व्यवस्था के अंदर ये तीनों अवस्थाएं एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, अब ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। समाज के एक ही टाइम पीरियड पर किसी व्यक्ति की विचारधारा धार्मिक और काल्पनिक हो सकती है, किसी की मूर्त अमूर्त व्यवस्था हो सकती है और किसी की प्रत्यक्षवादी भी हो सकती है। जैसे कि आप इसको हिंदू समाज के बिहाफ पर इसको देख सकते हो, जैसे कि एक विवाह हो रहा है, हिंदू विवाह, तो हिंदू विवाह क्या है, वो एक धर्मशास्त्रीय एक चीज़ है। दूसरा जो इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो ना, मतलब ये आपको एक तरह से अमूर्त दिखा रहा है कि ईश्वर अल्लाह दोनों को एक साथ दिखा रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया आपका तत्व दार्शनिक या अमूर्त व्यवस्था। एंड तीसरा है आपका प्रत्यक्षवाद और वैज्ञानिकता, ये आप देख सकते हो पंचवर्षीय जो योजनाएं आ रही हैं, ये योजनाएं पूरी तरह से वैज्ञानिकता और प्रत्यक्षवाद पर आधारित होती हैं। तो इस तरह से तीनों चीजें एक ही समाज में एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। एंड इसका अगर आप बात करोगे तो ये तीनों अवस्थाएं एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, एक व्यक्ति एक सिंगल पर्सन के अंदर ये तीनों अवस्थाएं एक समय में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति वैज्ञानिक है, वो हर चीज को वैज्ञानिकता से वेरीफाई कर रहा है, तो उस आधार पर वो क्या है, प्रत्यक्षवाद और वैज्ञानिक अवस्था में जीवित है। लेकिन क्या हो, अचानक उसके जो एक उसका इकलौता पुत्र है और उसकी मृत्यु हो जाए, अब उसको अगर सांत्वना देना है या उसको अपने आप को समझाना है, तो वो ये अवस्था उसके लिए काम नहीं आएगी, उसके लिए काम आएंगी ये अवस्थाएं और ये अवस्थाएं। ये अवस्था में कोई कह सकता है कि हाँ ये तो नियम है, बिछड़ना, दुख सुख व्यक्ति की जिंदगी में लगा रहता है, ये क्या है, अमूर्त अवस्था है।
एंड इसको और भी अच्छे तरीके से समझाना है, इसको और भी सांत्वना देना है। अगर व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये सब ईश्वर की देन है, मतलब ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो हो सकता है तुम्हारे भलाई के लिए ही हुआ हो और ईश्वर तुमसे और भी बेहतर तुम्हें अपने जीवन में देना चाह रहा हो। तो ये अवस्थाएं ये जो है व्यक्ति को सांत्वना दे रही होंगी, उस व्यक्ति को जो कि पूरी तरह से प्रत्यक्षवाद और वैज्ञानिक आधार पर विश्वास करता है। इस आधार पर होने के बावजूद भी इन्होंने इसके जीवन में हेल्प किया और कहीं ना कहीं ये उससे कनेक्ट भी होगा और कहीं ना कहीं उससे जुड़ा भी होगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों अवस्थाएं भी पाई जा सकती हैं। लेकिन अगस्त कांटे ने कहा प्रत्यक्षवाद सबसे बेहतर और सबसे लॉजिकल वे है एक लाइफ को जीने का, एक लाइफ में अपने अप्रोच को शो करने का। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में जानना, जिसके आधार पर इस चीज को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या है प्रत्यक्षवाद, आखिर क्या है वैज्ञानिक आधार। तो देखो प्रत्यक्षवाद की सबसे पहली विशेषता बताया कि निश्चित नियम सामाजिक घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। इन्होंने कहा कि जैसे कोई भी चीज प्रकृति में होती है तो उसके लिए एक रूल काम कर रहा होता है, एक फंडामेंटल काम कर रहा होता है, एक कॉज काम कर रहा होता है कि ये होगा तो ये इफेक्ट आएगा, कॉज ऐसा होगा इफेक्ट ऐसा आएगा। तो जिस तरह से प्रकृति में रूल्स चल रहे हैं, इसी तरह से समाज में भी उसके अपने कुछ रूल हैं। समाज में जितनी भी सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ नियम काम कर रहे हैं, वो भी एक सीरीज वाइज चीजें होती चली जा रही हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा कि आपका समाज जो है वो एक एक्शन हो रहा है, उसके रिगार्डिंग दूसरी चीजें उससे कनेक्टेड है, इंटरलिंक है। तो समाज में जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए सामाजिक, निश्चित सामाजिक घटनाओं के लिए चीजें क्या है उत्तरदायी है, कि ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें उत्तरदायी होती हैं जिसकी वजह से वैसा चीजें हो रहा है, वो चीजें बंद हो जाएंगे, वो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कहा पहली इसकी विशेषता क्या है प्रत्यक्षवाद, कि आप देख सको चीजों को डायरेक्टली कि क्या होने से कौन सा इफेक्ट आ रहा है, कौन सा काज होने से कौन सा इफेक्ट आ रहा है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ये काल्पनिक जो प्रत्यक्षवाद है ये वास्तविक ज्ञान पर आधारित होता है, यानी कि ये किसी काल्पनिक विचारधारा पर आधारित नहीं होता है कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता था ऐसे, मतलब उसको कहीं भी सोच समझ, मतलब ये नहीं कि ऐसा हो जाता था बस अपने माइंड में मान लिया गया, काल्पनिक अवस्थाओं पर नहीं बल्कि जो वास्तविक ज्ञान है उस पर आधारित होता है। तीसरा है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, मतलब कि जिस तरह से विज्ञान में एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं उसी तरह से प्रत्यक्षवाद में भी वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है प्रत्यक्षवाद में। अगली विशेषता है इसका संबंध ज्ञान से संबंध है, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी वो ज्ञान पर आधारित होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो नॉलेज बेस्ड होंगी, एक्सपीरियंस के आधार पर होगा, तो ये ज्ञान से संबंधित है। अगला कहा है कि प्रत्यक्षवाद जो है वो धर्म और विज्ञान दोनों है। इन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्षवाद है वो विज्ञान भी है और धर्म भी है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि आपके व्यवहार का विज्ञान है जिसको आप समझ सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अनुभव कर सकते हो और उसी के अनुसार अगर आप जीवन जीते हो या उस रूल को मानते हो तो वो आपके लिए धर्म जैसा काम करेगा। जैसे धर्म आपके सभी चीजों में आपकी हेल्प करता है, उसी तरह से जो प्रत्यक्षवाद है ये भी आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। तो धर्म और विज्ञान दोनों है आपका प्रत्यक्षवाद। अगला कहा सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है। अगस्त कांटे ने कहा कि ये सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है, इनका जो मूल जो इन्होंने बाद में चेंजेस आए, इन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत दिया कि समाज फिर से बनना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इन कॉन्सेप्ट को चेंज करके मनुष्य वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, एंड उसके लिए उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आगे हम वीडियोज में बात करने वाले हैं आपसे उस कॉन्सेप्ट के बारे में, सामाजिक पुनर्निर्माण के बारे में। तो प्रत्यक्षवाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, अगर सामाजिक पुनर्निर्माण करना है तो समाज को फिर से निर्माण करना है तो उसके लिए आप चीजों को समझ सकें, उसके लिए आप चीजों को वेरीफाई कर सकें, सीधी चीजों को देख सकें, प्रत्यक्ष रूप से आप उसको देख सकें, तो ये सामाजिक निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। अगला कहा ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है, जो प्रत्यक्षवाद है वो ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है ना ये कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र और काल्पनिक अवस्था से शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस अवस्था तक पहुंचा है, तो ये अपने आप में पूरा एक इतिहास लेकर के चल रहा है। इस वजह से जो प्रत्यक्षवाद है वो ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है। ओके अगला है, हमने देखा कि ये इसकी विशेषताएं होंगी, प्रत्यक्षवाद क्या है, कैसे है, क्या इसकी विशेषता, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब आओ आगे देखते हैं कि विज्ञानों का वर्गीकरण किस तरह से किया हुआ था अगस्त कांटे महोदय ने। तो अगस्त कांटे महोदय ने जो भी ये प्रत्यक्षवाद है एंड वैज्ञानिकता है तो इसका उन्होंने वर्गीकरण किया कि वैज्ञानिकता को अगर आपको समझना है तो इसको आप दो फॉर्म में समझ सकते हो कि क्या चीज है वैज्ञानिकता एंड उसका बेसिक रूल क्या है। तो उन्होंने कहा सबसे पहला रूल उन्होंने दिया कि निर्भरता का वृद्धि क्रम, निर्भरता मतलब किसी पर डिपेंडेंसी का वृद्धि क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। इन्होंने कहा है कि विज्ञान जितना ज्यादा विकसित होता चला जा रहा है, जितना ज्यादा एक विज्ञान में आप घुसते चले जा रहे हो, वो चीज कहीं ना कहीं दूसरे विज्ञानों पर आधारित होता है, यानी कि जितना ही विज्ञान एक्सप्लोर करता जाएगा वो एक्सप्लोर करेगा एक बेसिक चीज, अगर आपने वेरीफाई कर लिया कि यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, अब आगे उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी जितने भी सिद्धांत आएंगे वो उस पर रिलेट कर रहे होंगे, यानी कि निर्भरता क्रम बढ़ता जाएगा, एक विज्ञान आ गया उससे रिलेटेड दूसरी चीजें खोजेगी,
गई, तीसरी, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। जितना ज्यादा वैज्ञानिकता में खोज होती चली जाएगी उतना ही ज्यादा निर्भरता बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहला इन्होंने कहा निर्भरता का वृद्धिकरण, दूसरी कहा घटती हुई समानता तथा बढ़ती हुई जटिलता। कहने का अर्थ यह है कि एक विज्ञान जितना अधिक सरल होगा वो उतना ही कम निर्भर करेगा, यानी कि घटती हुई समानता जो होगी वो क्या होगा, अगर आपका किसी जो है सरल नियम पर है तो उसके में क्या होगा, घटती चली जाएंगी जो दूसरे पर डिपेंडेंसी है, और जितना ज्यादा आपका आप विज्ञान को जटिल बनाते चले जाएंगे उतना ही वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता चला जाएगा। उसी को कहते हैं घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता, यानी कि जितना घटेगा उतना सामान्य होगा और जितना ज्यादा जटिल होता जाएगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा जटिल होता चला जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण किया हुआ है। आगे इन्होंने विज्ञानों का संस्तरण भी बताया है कि विज्ञान किस तरह से एक दूसरे से बढ़ते हुए डिपेंडेंट होते हुए चले गए। समाज के पुनर्निर्माण का भी सिद्धांत दिया हुआ है, कैसे कैसे वो क्या चीजें हुई हैं, तो इसके बारे में दोस्त हम बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो एक बार जाकर के चैनल विजिट कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके, वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सके। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।